आपको शो हो रही है? जी, स्क्रीन तो ओके सुन लो, ओके। तो दिया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूस लुगतुल अरबिया। दुरूस मीन्स लेसन्स, सबक यानी असबाक, ज्यादा सारे सबक, ठीक है, जमा है, दुरूस दर्स की जमा है। लुगतुल अरबिया, अरबी जबान, ठीक है, लुगत हो गई जबान, अरबिया लैंग्वेज और अरबिया अरबी, अरबी लैंग्वेज के सबक असबाक, ठीक है। अरबिक की ये फर्स्ट बुक है, हम यहाँ से फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। ये होंगे रूल्स वगैरह, लेसन वन। इन दिस लेसन वी लर्न द फॉलोइंग थिंग्स, ठीक है, हम ये नीचे जो चीजें दी गई हैं हम इस लेसन में ये पढ़ेंगी। तो अब आप यहाँ से स्टार्ट करें, व्हाट इज दिस, पहले आप पढ़ें महाजा। माहाजा, हाजा किताबन, नो, आहाजा आप इस तरह बिल्कुल। करें, महाजा व्हाट इज दिस, ओके, माहाजा व्हाट इज दिस, हाजा किताबन, दिस इज अ बुक, आहाजा बैतुन, इज दिस अ हाउस, नाम हाजा बैतुन, यस दिस इज अ हाउस, ला हाजा मस्जिदुन, नो दिस इज अ मॉस्क, मन हाजा, हु इज दिस। नेक्स्ट है नोट। अब ये पढ़िए, हाजा इज प्रोनाउंस्ड हाजा, बट इट इज रिटन विदाउट द फर्स्ट अलिफ। अरबिक हैज नो वर्ड कोरस्पेंडिंग टू द इंग्लिश इज, आई ई अरबिक हैज नो पॉपुला। देर इज नो वर्ड इन अरबिक कोरस्पॉन्डिंग टू ए इन इंग्लिश, एज इन दिस इज अ बुक, द एंड साउंड एट द एंड ऑफ द अरबिक साउंड किताबुन। अच्छा, इज द अरबिक इनडेफिनेट आर्टिकल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इंग्लिश ए एन, दिस एन साउंड इज कॉल्ड तनवीन। ओके, इस पर जो दो वो आते हैं इट्स कॉल्ड तनवीन, ठीक है। द जी पार्टिकल प्ले एट द बिगनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट टर्न्स इन इनटू अ क्वेश्चन, ईजी हाजा बैतुन, दिस इज अ हाउस, आ हाजा बैतुन, दिस इज अ हाउस। ओके। अब इसमें आपको जो समझ आया है आप मुझे वो अपने उर्दू में ही समझाइए। ये अस्माउल इशारा है जो हम करीब की चीजों के लिए यूज कर रहे हैं। दिस हाजा, दिस है इसका मतलब, जी, तो अब दिस इज देखिए अ इस हाउस। पॉइंट में है ना, इस पॉइंट में, पहले पॉइंट में इन्होंने ये कहा है कि हम हाजा इस तरह पढ़ते, प्रोनाउंस तो इस तरह करते हैं लेकिन लिखा किससे होता है, ऐसा होता है, ठीक है, नजर हमें इस तरह आता है लेकिन ये लिखा होता है, हम पढ़ते उसको हाजा है, ठीक है। तो पहले पॉइंट में ये कह रहे हैं। अब सेकंड पॉइंट, अरबिक हैज नो वर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इंग्लिश इज, आई का ई मतलब ये अरबिक होता है कि हैज, खास इनका कोई कायदा नहीं होता, ये बस जिस तरह आप इन्होंने हाजा लिख लिया तो हमने इसको हाजा पढ़ा, हाजा लिखा इसको हाजा, ठीक है। देर इज नो वर्ड इन अरबिक, ये है। अब इसके बारे में है कि अब देखो बुक जो हम जो भी पढ़ते हैं बुक है, हम उसको अरबिक में पढ़ेंगे, जैसे किताबुन, ठीक है, मस्जिदुन, दुन जो आ रहा है ये नून जो होता है ये तनवीन होती है, ठीक। अगर हम यहाँ पर अलिफ लाम लगा लें तो ये अल बैतु हो जाए, अल किताबु हो जाए, लेकिन ये सिंगल वर्ड है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है आगे लगा हुआ, तो हम इसको क्या कहेंगे, बैतुन किताबुन मस्जिदुन, ठीक। जी। नेक्स्ट है वोकैबुलरी। पढ़ू? बहुत इजी है। इसको आप पढ़िए। हाउस बैतुन, मस्जिदुन मॉस्क, बाबुन डोर, किताबुन बुक, कलमुन पेन, मिफ्ताहुन की, मकतबुन राइटिंग टेबल, सरीरुन बेड, कुर्सीयुन चेयर, नजमुन स्टार, कमीसुन शर्ट, तबीबुन डॉक्टर, वलदुन बॉय, तालिबुन स्टूडेंट, रजुलुन मैन, ताजरुन मर्चेंट, कलबुन डॉग, कितुन कैट, हिमारुन डंकी, हिसानुन हॉर्स, जमलुन कैमिल, दिक रूस्टर, मुदर्रसुन टीचर, मिल्बियुन खजर।
उसके बाद है ये बुक स्टार्ट हो रही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अद्दर्सुल अव्वल हम पहले पढ़ेंगे हाजा अब आप इसको पढ़ती जाइए हाजा बैतुन हाजा मस्जिदुन हाजा बाबुन हाजा किताबुन हाजा कलमुन हाजा मफ्ताहुन हाजा मक्तबुन हाजा सरीरुन हाजा कुर्सीयुन मा हाजा व्हाट इज दिस What is this? Ahaza baytun? Is this a house? Haza baytun? The answer yahan hai. Ma hada, hada baytun. Ahaza baytun? Naam, hada baytun. Theek. Ma hada? Haza kamisun. Ahaza sarirun? La, haza kursiyun. Ahaza miftahun? La, haza qalamun. Ma hada? Haza najmun. ये आपके लिए इजी है फिर इसको हम रहने देते हैं ये भी इजी है अब उसके बाद मन हाजा हु इज दिस मन हाजा हाजा तबीबुन मन हाजा हाजा वलदुन मन हाजा हाजा तालिबुन आहाजा वलदुन इज दिस अ बॉय ला हाजा रजुलुन नो ही इज अ मैन Mahaza haza masjidun man haza haza tajirun haza kalbun ahaza kalbun na la haza qutun haza himarun wa ma haza haza jamalun ma haza haza dikun man haza haza mudarrisun ahaza kamisun la haza mandilun इकरा वक्त रीड एंड राइट इसके बाद नेक्स्ट लेसन है ये आप स्टार्ट करें लेसन टू राइट ओके इन दिस लेसन वी लर्न द यूज ऑफ सालिका मीनिंग दैट एंड वाओ मीनिंग एंड ईजी दिस इज अ हाउस एंड दैट इज अ मॉस्क हाजा बैतुन व जालिका मस्जिद जालिका इज प्रोनाउन जालिका बट इट इज रिटन विदाउट द अलिफ द वर्ड वाओ इज रिटन क्लोज टू द फॉलोइंग वर्ड ये वाओ आई नो एंड के लिए यूज होता है और इस वोकैबुलरी सुकुरुन शुगर लबन मिल्क सुकुरुन इमामुन सुकुरुन लबनुन हजरुन अदर्स सानी सेकंड लेसन आगे भी इस्माइल इशारा है जालिका हम इसको ज्यादा भी पढ़ते हैं मा जालिका जालिका नजमुन हाजा मस्जिदुन व जालिका बैतुन Azalika kalbun la zalika kittun. Haza hisanun vazalika himarun. Ma zalika zalika sarirun. Haza sukkarun vazalika labanun. Ma zalika zalika hajarun. Man haza vaman zalik. Haza mudarrasun vazalika imamun. इकरा तमीन है अव्वल इकरा वक्तुब ये भी इजी है इसको भी रहने दीजिए फिर अब हम अदर्स सालिस इसकी एक मिनट आगे पीछे हो गए लेसन थ्री इसको पढ़िए In this lesson, we learn the use of the Arabic definite article al, which corresponds to the English the. When the definite al is prefixed to a noun, naturally the definite article is dropped. E.g., ek baytun se al baytun, and ghar se house se the house. Arabic has 28 letters. Of these, 14 are called solar letters, and the other 4 are called lunar letters. अच्छा ये वो इसके बारे में बता रहे हैं हुरूफ़े शम्सी और हुरूफ़े कमरिया वो वर्ड जो हम मिला के पढ़ते हैं और वो वर्ड जो हम मिला के नहीं पढ़ते जी वो वर्ड्स होते हैं जिनके शुरू में अलिफ लाम तो होता है लेकिन शीन पर या फिर उसका जो सेकंड वर्ड अलिफ लाम के बाद जो शुरू हो रहा होता है हर्फ उस पर हम वो
तशदीद हो तो ऐसी सूरत में हम उसको क्या पढ़ेंगे, अशम्सु, ठीक है। और वो हुरूफ जिन पर अलिफ लाम आ रहा हो लेकिन तशदीद ना हो और वो अलिफ लाम पढ़ा जा रहा हो, जैसे अल कमरु, अब अशम्सु में लाम नहीं पढ़ा गया और अल कमरु में लाम पढ़ा गया है। हुरूफ कमरिया वो हुरूफ है जिनमें लाम को पढ़ा जाता है, हुरूफ शम्सिया वो हुरूफ है जिनमें लाम को नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, शम्सु के 14 लेटर्स है और अमरु की भी 14 लेटर्स। ठीक है, इसको पढ़िए फिर, या नहीं रहने देते? जी जी चलिए इसकी वोकैबुलरी पढ़े। फकीरुन पुअर, कसीरुन शॉर्ट, हारुन हॉट, वाकिफुन स्टैंडिंग, कदीमुन ओल्ड, बईदुन फार, वासिफुन डर्टी, कबीरुन बिग, सखीलुन हैवी, अलमाउ वाटर, जमीलुन ब्यूटीफुल, हुलून स्वीट, रिच, बनीयुन टॉल, तवीलुन कोल्ड, बारदुन सिटिंग, जालसुन न्यू, जदीदुन हियर, करीबुन क्लीन, लजीफुन स्मॉल, सवीरुन लाइट, खफीफुन पेपर, अलवरकु एप्पल, अलतुफाहु शॉप, अदुकानु सिख, मरीजुन। ओके, ठीक है। अदर्स सालिस, ये थर्ड लेसन, बैतुन। बैतुन मीन्स होता है अ हाउस, अल बैतु द हाउस। ओके, ये जो होता है ये घर, ठीक है, ये हो गया घर। अलबैतु, ये किसी घर को खास करने के लिए अलिफ लाम लेकर आया जाता है तो ये हो जाता है फिर खास, अलबैतु द हाउस। किताबुन बुक, अल किताबु द बुक। कलमुन पेन, अल कलमु द पेन। जमलुन कैमल, अल जमलु द कैमल। ठीक है, अब इसको पढ़ें। ठीक है, القلم مكسور pen is broken, الباب مفتوح door is open, الولد جالس والمدرس واقف لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور ٹیچر کھڑا ہوا, الكتاب جديد والقلم قديم کتاب نئی ہے, the book is new and the pen is old, الحمار صغير الحمار صغير الحمار صغير بل حصان كبير the donkey is small and the horse is big, الكرسي مكسور the chair is broken, المنديل واسخ handkerchief is dirty, الماء بارد the water is hot sorry cold, القمر جميل moon is beautiful the moon is beautiful, البيت قريب the house is near and the masjid is far, الحجر ثقيل the stone is heavy, وورق خفيف the page is light, اللبن حار the milk is hot, القميص نظيف Nazifun, the shirt is clean. Clean. अब देखें इसमें हमने पढ़ा अलिफ लाम का इस्तेमाल, ठीक है। जब हमने पढ़ा किताबुन तो उस पर क्या था, तन्वीन था, ठीक। लेकिन जब हमने फिर कलमुन है इसमें भी देखे तन्वीन है, जब हमने अल लगा दिया तो यहाँ से तन्वीन से एक दम्मा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जहां पर भी अलिफ लाम आ जाए तो अलिफ लाम तन्वीन को एक्सेप्ट नहीं करता, चाहे फिर कसरा में तन्वीन हो या फिर फतहा में हो या फिर दम्मा में हो, लेकिन ये फिर कभी भी तन्वीन को अलिफ लाम एक्सेप्ट नहीं करता। इसी वजह से अब हमने क्या किया, इसको अल बैतु, अल कलमु, अल किताबु, अल जमलु, ठीक है।
और ये हम इसको कहेंगे अल कलमु, ये हो गया मुब्तदा मकसूरुन, ये हो गई खबर, ठीक है। मुब्तदा खबर मिलकर क्या बन जाता है, जुमला इस्मिया खबरिया, हम जब नहफ पढ़ेंगे तो उसमें फिर ये होगा। अल बाबु ये हो गया मुब्तदा मफ्तूहुन, ये हो गया खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। और मुब्तदा इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये इस्म से स्टार्ट हो रहा है, और इसको हम मुब्तदा लिखकर हम इस्म भी ब्रैकेट में लिखेंगे तो फिर हो जाएगा ये जुमला इस्मिया खबरिया हुआ, ठीक है। इसको पढ़ें, इकरा वक्तुब मा जब्त अवाखिर कलिमात। अच्छा, इकरा मींस पढ़िए, वक्तुब मींस लिखिए, मा माने साथ। अब इसको इसकी अच्छी ट्रांसलेशन क्या करेंगे, पढ़िए और लिखिए। मा जब्त अवाखिर कलिमात, जो इसके आखिर में जो कलिमात हैं उनके एराब को देखकर अच्छे से फिर इसको लिखिए और पढ़िए, ठीक है। Read and write with the correct ending. Okay. Masjidun al-masjidu. Maun al-mau. Al-baytu. Babun. Qalamun. Al-qalamu. Al-kalabu. Kalbun. Kamisun. Waladun. Al-hajaru. Al-waladu. Himarun. Al-himaru. Al-hisanu. Hisanun. Okay. Al-maktabu maksurun. Al-mudarrisu jadidun. Al-qamisu wasiqun. Al-labnu baridun. Al-masjidu maftuhun. Al-hajru kabirun. Al-labnu baridun. Wal-ma'u harun. الإمام جالس والمدرس واقف القمر بعيد المنديل نزيف. Next, املأ الفراغ فيما يلي بوضع الكلمة المناسبة من الكلمات التالية. ओके, हमने इसको फिल इन द ब्लैंक्स, ये ब्लैंक्स जो है इनको फिल करना है वो भी सूटेबल वर्ड्स के साथ जो इन्होंने दिए हुए हैं। जमीलुन वासिखुन मफ्तूहुन हारुन सकीलुन खफीफुन। अब है इसमें इन्होंने मुब्तदा दिया है, अब हमने इसकी क्या लिखनी है, खबर लिखनी है। अल हजरु सकीलुन अल बाबू مفتوحٌ القمر جميلٌ الورق خفيفٌ المنديل واسخٌ اللبن حارٌ. अब इन्होंने यहाँ पर मुब्तदा को हज़फ़ किया है, वो हमने फिल करना है। इम्ला इल फ़राग फ़ी मा यली बिवादई कलिमतिन मुनासिबतिन। अब इसको फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड्स। अब इसको आपने यहाँ पर सूटेबल वर्ड के साथ इसको फिल करना है। नज़ीफ़ुन लिखा हुआ है, अब आपने यहाँ पर मुब्तदा लिखना है। القلم مكسور الماء بارد المسجد قريب البيت بعيد المدرس واقف الولد جالس الهجر كبير البيت قديم المدرس مدرسة جديد المدرس يا الكتاب उसके बाद हमने हरूफ शमसिया जो पढ़े थे और हरूफ कमरिया, तो अब उसकी प्रैक्टिस यहाँ करनी है। नजमुन अन नजमु रजुलुन अर रजुलु दीकुन अद दीकु तालिबुन अद तालिबु। अब ये जो है वर्ड्स, ये हरूफ शमसिया हैं या हरूफ कमरिया हैं?
ये हुरूफ़ शम्सिया हैं। ओके, इनको आप पढ़िए। النجمُ بعيدٌ، الرجلُ واقفٌ، الرجلُ واقفٌ، السكرُ حلوٌ، الطالبُ مريضٌ، الديكُ جميلٌ، الدفترُ جديدٌ، التاجرُ غنيٌ، الدكانُ مفتوحٌ، الولدُ فقيرٌ، التفاحُ لذيذٌ، الطبيبُ طويلٌ، والمريضُ قصيرٌ। उसके बाद है तमीन इकरा वक्तुब मादबती अबाखरिल कलिमात। अब ये भी है वही जो हमने पढ़े थे हुरूफ शम्सिया और हुरूफ कमरिया। तो अब यहाँ पर हमने ये पढ़ना है और इसको हुरूफ शम्सिया और हुरूफ कमरिया के मुताबिक इराब लगाने हैं। अलबाबु अत्ताजिरु अन्नजमु अलकमरु अद्दैकु अलमाउ अस्सरीरु البيت المسجد الرجل السكر الورق السكر 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 املاء الفراغ فيما يلي بوضع كلمات مناسبة التاجر غني السكر حلون الولد مريض التفاح لذيذ الرجل طويل الولد قصير اختر كلمة من القائمة با تناسب الكلمة التي في القائمة همزة اب ہمیں ان کو ملانا ہے الطالب مريض الدكان مفتوح التفاح لذيذ الماء أهار الهجر ثقيل القلم مكسور حروف قمرية والحروف الشمسية ان کو آپ with meaning پڑھیں پڑھوں جی جی meaning کے ساتھ پڑھیں الاب फादर को कहते हैं अलबाब डोर अलजन्नतु हेवन अलहिमार डोंकी विद द डोंकी अलखुब्ज द ब्रेड अलऐन अलऐनु आइस अलगदाउ लंच अलफमु माउथ अलकमरु मून द मून अलकल्बु द डॉग नीचे कीजिएगा الماو دی واٹر الولدو دی بوائے الہواو ہواو میز ونڈ ہوتا ہے نا دا ایئر الید دا ہینڈ حروف شمسیا التاجرو دا بزنس مین اسوبو कपड़े को कहते हैं शर्ट को कहते हैं असोबु इसको हम ड्रेस भी कह सकते हैं गारमेंट्स भी कह सकते हैं अदैकू द रूस्टर अजहर दीकू यस तशदीद के नीचे कसरा है अदीकू अदीकू द रूस्टर अजहबू जहबू मींस तो जाना होता है ना No, no, no. Zahabu means gold. The gold. The gold. Ar-rajulu, the man. Az-zahratu, the flower. As-samaku, the fish. As-shamsu, the sun. As-sadu, the chest. As-zayfu, the guest. As-talibu, the student. As-zahratu, Zaharu, the big. The? Big. Big. Kamar. Okay. Allahmu, ghost, the meat. An-najmu, the star. इसके बाद फिर यही है इसमें आपने एराब लिखने हैं तमारिन इकरा अल कलिमात
الآتيه واكتبها مرائيا قواعد نطق الحروف القمريه والشمسيه. اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, حروف شمسیہ اور حروف قمریہ کے قواعد کو مد نظر رکھ کر پھر آپ نے یہ کل اس کے اعراب لکھنے ہیں. پڑھیں اس کو. الدير المدرس مدرس الباب الطالب السكر الدفتر السكر السكر الدفتر الأخ الرسول الصديق القرآن الصلاة الكعبة الراس الإصبع الإصبع means أنجلي yes الفجر الزهر العصر المغرب العشاء. Okay. Listen for. In this lesson, we learned the use of preposition. Arabic nouns have endings to show their functions in the sentences. The normal ending of a noun is you, as in the house is new. Al-baytu jadidun. A noun with the normal ending is called marfoon. After a preposition, this ending changes to baytu. Okay. Ye wahi bata rahe hai na, matlab alif lam ka. No, ये हरूफ जारा के बारे, prepositions हरूफ जारा. जब हरूफ जारा आ जाए तो फिर वो बाद वाले हर्फ को हमेशा कसरा देते हैं. जैसे अल बैतु जदीदुन, ये हो गया द हाउस इज न्यू. लेकिन जब हम इसको कहेंगे फिल बैती कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अल बैतु से बैती. ठीक है, फिल बैती, इलल बैती, अलल मक्तबी, ये हो जाएंगे फी अला इला बा. ये हर्फ जार है. जब ये हर्फ जार आ जाते हैं तो फिर ये अपने बाद वाले हर्फ को हमेशा मकसूर कर देते हैं. अब देखें यहाँ पर फिल बैती, यहाँ पर इसने आते ही इसको कसरा दे दिया. पहले ये क्या था, अलबैतु था, अलबैतु था, यहाँ पर इस पर दम्मा था, लेकिन फी के आने की वजह से दम्मा की जगह पर कसरा आ गया. ठीक है, और अगर अलिफ लाम नहीं है, जैसे बैतुल, बैतुल हाउस, और फिर जब हमने इसको फी लगाया तो ये बैतिन हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो पेश थे. ठीक है, तनवीन थी. जब तनवीन थी तो यहाँ पर भी कसरा में भी वो तनवीन में चेंज हो जाएंगे. ठीक है, हम फी बैती नहीं करेंगे, हम फी बैतिन करेंगे. यहाँ पर अलिफ लाम होने की वजह से यहाँ पर एक कसरा हो गया, और यहाँ पर अलिफ लाम नहीं है, इस वजह से ये तनवीन में आया है. सही, ठीक. अब इसको पढ़. आफ्टर अ प्रीपोजिशन दिस एंडिंग चेंज टू आई अलबैतु द हाउस. Fi al-baytu in the house. Baytu a house. Fi baytu in a house. Al-maktabu the table. Al-al-maktabi on the table. A noun preceded by a preposition is said to be majrur. In this lesson, you also learn the two pronouns huwa, he, it, and he, she, it. In Arabic, all nouns are either masculine or feminine. A masculine noun is referred by the pronoun huwa, whether it denotes a human being, an animal, or a thing. Like ayn al waladu, where is the boy? Huwa fil masjid. Huwa fil masjidi, he is in the mosque. Okay. Ayn al kitabu, huwa al al maktabi. Where is the book? A book is on the table. And a feminine noun is referred by the pronoun hiya, whether it denotes a human being, an animal, or a thing, e.g. Where is Amna? Aina Amina? Hiya fil bayti. Aina Saadu? Hiya alal sarir. Okay, samajh aa gaya? Ji 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 ji. Theek hai.
अब नेक्स्ट है मोस्ट फेमिनिन, इसको पढ़िए. अरब में मोस्ट फेमिनिन नाउन्स एंड विद अ राउंड ट, बट दे देयर आर सम व्हिच डू नॉट हैव एनी स्पेशल एंडिंग. वी हैव नोट, वी हैव लर्न दैट द तनवीन इन द इंडेफिनिट आर्टिकल बेग्स अ हाउस. दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्रॉपर नाउन. So Hamidun is just Hamid, not Hamid. Feminine proper nouns have two tanween, e.g. Aminatu, Zainabu, Fatimatu. ठीक है. अब फेमिनिन, कुछ फेमिनिन ऐसे होते हैं जिनके आखिर में ता मरबूता आती है, इसको ता मरबूता कहते हैं, ता मरबूता आती है. लेकिन कुछ फेमिनिन ऐसे होते हैं जिसकी जो कोई भी स्पेशल एंडिंग नहीं होती, वो हम पहचान लेते हैं कि ये है कि मोनस है, लेकिन इन पे कोई ऐसी अलामत नहीं पाई जा रही होती. जैसे फातिमतू में हमें पता चल गया कि ये मोनस है, ज़ैनबू में ऐसी कोई अलामत नहीं पाई जा रही कि हमें मालूम हो कि ये वो है मौनस है, लेकिन फिर भी हम इसको ज़ैनबू मौनस ही कहेंगे. आमिनतु ये मौनस है, तो इसमें और दूसरा हमने आप पीछे पढ़ा हुआ और हिया का, ये जो होता है वो उसके लिए होता है मौनस के लिए होता है, और दूसरा हुआ जो होता है वो मुसक्कर के लिए होता है. ठीक है, ठीक. इसके बाद है वोकैबुलरी. ओके, वोकैबुलरी. अला मींस ऑन, मिरहास टॉयलेट, अल हमाम बाथरूम, स्काई समाओ, वेयर एना किचन, मक्का क्लासरूम, अल फासलू गुरफत रूम एंड फी. नेक्स्ट पढ़ो जी अद्दस रबी. इसमें भी हम हुरूफ जार के बारे में पढ़ेंगे, जो प्रीपोजिशंस हमने पढ़े हैं उस रूल्स पढ़े, वो ही हम इस पर अप्लाई करेंगे. अल बैतु फिल बैती, अल मस्जिदु फिल मस्जिदि, अल मक्तबु अल मक्तबि, अस सरीरु अल सरीरि. अब इसको अब इसको आप विद ट्रांसलेशन पढ़ें. ओके. अयना मोहम्मद, वेयर इज मोहम्मद, हुवा फिल गुरफति, he is in a room, in the room. wa aina yasir, huwa fil hammam, or and where is yasir, he is in washroom. wa aina amina, and where is amina, hiya fil madbakh, she is in kitchen. aina al kitabu, where is the book, huwa al al maktab, no, huwa al al maktabi, is on the table. Where is saat? Yes. Where is the clock? Here, ala sarir. It is on the bed. Watch. Okay. Where is saat? And where is watch? उसके बाद तमरीन है. ये भी वही है. अनिल किताब, अनिल मोहम्मद. मैं क्वेश्चन करते जाती हूँ, आप आंसर दें. अजीब अनिल असीलत आतियति. Answer the following questions. Aina al-kitabu? Al-kitabu al-al-maktab. Aina Muhammad? Fil-ghurfadi. Okay. Aina sa'atu? Al-sa'atu al-sariri. Aina yasirun? Yasir fil-hammam. Aina aminatu? Aminatu fil madbakh. Aminatu fil ghurfati? La. Naam. Amina fil ghurfati. Agar hum kahenge la mein answer karenge to hum kahenge la aminatu fil madbakh. Okay? Ayasirun fil madbakh? La. Al amina fil madbakh. Okay. और हम इस तरह कहेंगे. अब देखिए क्वेश्चन हो रहा है यासिर के बारे में, ठीक है, पूछा जा रहा है यासिर के बारे में कि यासिर क्या किचन में है, तो हम क्या कहेंगे, आंसर करेंगे ला, फिर कहेंगे यासिरुन फिल हमामी. ओके, हम इसका फिर बताएंगे कि ये है उसमें वॉशरूम में है. मन फिल गुरफती,
Yasir, Yasir Unfil Ghurfati. Okay. Maza ala al maktabi. Al kitab wa al maktabi. Maza ala al sariri. Al saatu wa al sariri. Okay. उसके बाद यही वही है इकरा वक्त माजत अवाखिर अल कलिमात अल मदरसतु फिल मदरसती फिल बैती अल बैतु अल गुरफतु अल हमामु फिल मतबखी अल मतबख अल मक्तबु अल अल मक्तबी अल अल कुर्सीजी अल सरीरु अल अल किताबी फिल मस्जिदी ओके उसके बाद क्वेश्चन आंसर है अल तालिब इकरा वक्त है ये रीड एंड राइट फिर है अल तालिबु फिल जामियती इसको आपने विद ट्रांसलेशन पढ़ना है ठीक अकरा इकरा वक्त अल तालिबु फिल जामियती द स्टूडेंट इज इन द यूनिवर्सिटी ओके अल रजुलु फिल मस्जिदी द मैन इज इन मॉस्क एंड अल ताजिरु हियर इज द बिजनेसमैन हुवा फिल दुकान ही इज इन द शॉप القلم على المكتب the pen is on the table اين زينب where is زينب هي في الغرفة she is in kitchen اين الورق where is the paper هو على المكتب هو على المكتب yes ورق ورق عربك میں کوئی مؤنث کی علامت نہیں پائی جا رہی تو اس صورت میں یہ کیا ہو گیا مذکر ہو گیا اب ہم نے اس کا آنسر کیا کرنا ہے هو على المكتب It is on the table. Table. Aina Mudarris, where is the no? Where is the teacher? Hova fil fasli. He is in the class. Aina Yasir, where is Yasir? Hova fil mirhas. He is in toilet. Ash-shamsu wal qamaru fi samai. The moon and the sun is the sky. The sun and the moon is in the sky. Man fil fasli, who is in the class? Okay. Muhammadun Aminatu. Ye hai muzakkar aur muannas. Muzakkar aur muannas mein hai ke aap dekhein muzakkar mein hota hai Muhammadun tanween aati hai. Aminatu mein tanween nahi hai. خالدن میں تنوین ہے زینبو میں تنوین نہیں ہے حامدن میں تنوین ہے فاطمتو میں تنوین نہیں ہے اسی طریقے سے جتنے بھی یہ نیمز ہیں اس میں مذکر میں تنوین آتی ہے اور مؤنث میں تنوین نہیں آتی ٹھیک ہے ٹھیک جی اس کے بعد اقرا واکتب مع ضبط اواخر الکلمات اس میں بھی اعراب لگانے ہیں جسے اب آپ اس کو پڑھیے حامدن زينب آمنة عمار سعيد فاطمة مريم مريم علي خالد عباس عائشة محمد صفية خديجة اس کے بعد یہ ہمارا سیکنڈ پارٹ سٹارٹ ہو رہا ہے البیت من البیت یہاں پر بھی کوسچن آنسر ہے तो मेरा टाइम थोड़ा यहाँ पर जूम का कंप्लीट हो रहा है फिर हम बाद में इसको पढ़ते ठीक तुम्हें अब आप